हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक खस्ता समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल हलवाई जैसे बनते हैं। और इन्हें घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। तो सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, साथ ही में मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाली है। हींग से जो है समोसे के अंदर जो फिलिंग होती है आलू वाली, उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा डाल दूंगी और थोड़ी सी ही मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सीड राई का यूज़ किया है, ये भी 1/2 टीस्पून है। तो जैसे ही ये जीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगेगा, इसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन से जो समोसे की फिलिंग में होता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये पेट के लिए भी सही रहती है। तो जैसे ही ये तीनों चीज़ क्रैकल होने लग जाएगी, उसके बाद मैं इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर सौंफ डाल दूंगी। सौंफ से जो है वो पिट्ठी जो होती है आलू वाली, उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं अमचूर पाउडर डाल दूंगी। इसमें अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, क्योंकि जो फिलिंग होती है, जो पिट्ठी होती है, वो बहुत ही खट्टी सी होती है, तभी जाके वो बहुत अच्छी लगती है। तो इन मसालों को मैं अच्छे से एक बार तेल में भून लूँगी। आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर ना डालें, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हल्दी पाउडर डालना इतना कंपल्सरी भी नहीं है। तो जब ये भुन जाएगा मसाला, तो उसके बाद मैं इसमें ये मैंने 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आपके पास करी लीव्स हैं तो आप करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी ये पिट्ठी जो होती है, मसाला जो होता है, बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है। अब जो हमने ये आलू, मैंने 2 बिग साइज़ के आलू थे ये, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, और इसे मैंने सुबह ही बॉईल कर लिया था, इसे 4-5 घंटे हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसे फोल्ड लिया है। इसे आप बिल्कुल भी ज़्यादा मैश ना करें, ना इसे ग्रेट करें। इसे आप देख सकते हैं इसमें कैसे चंक्स हैं आलू के, इसे आपको ऐसे ही रखना है। आप चाहें तो इसमें मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मोटे मोटे चंक्स ही इसमें आलू के रखने, तभी जो है ये मसाला अच्छा लगता है। अब मैंने आलू को जो है सारे मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची और नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सा होता है, क्योंकि ये फिलिंग होती है हम अंदर भरते हैं, तो थोड़ा मिर्ची सी अच्छा लगे, चटपटा सा समोसा बने इसलिए। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन चिली जो है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लास्ट में डाला है, ताकि इसका, क्योंकि ग्रीन चिली अगर ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो ज़्यादा तीखी हो जाती है, और ऐसे डालने से ज़्यादा तीखी भी नहीं रहेगी और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और इसे अभी मैं 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी। और 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू का मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये मैंने 4-5 काजू ले लिए थे और 6-7 ही मैंने किशमिश ले ली थी। तो मैंने काजू को छोटा छोटा कट कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे पहले ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इसका फ्लेवर लास्ट में डालने से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने पनीर है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये
ड्राई फ्रूट पनीर आलू समोसा बोल दीजिए आप इसे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ड्राई फ्रूट का जो क्रंचीनेस होता है वो आता है समोसे के अंदर, तो बहुत टेस्टी लगता है। और जो पनीर का जो सॉफ्टनेस होता है वो उसके अंदर आता है, तो भी वो बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं जो है 2-3 मिनट के लिए इसे अब ढक दूंगी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाली है। काली मिर्च से जो होता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो ये फिलिंग जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, समोसों का मसाला। तो आप देख सकते हैं अब मैंने गैस को जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है, और जो फिलिंग है वो हमारी बिल्कुल तैयार है। और इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम समोसों के लिए जो आटा है वो रेडी कर लेते हैं। और आप देख ही सकते हैं ये जो पिट्ठी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, तब तक हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। आप इसे कटोरी से भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये अजवाइन डाल दूंगी, मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है जिसे मैं क्रश करके हाथों से ही इसे डाल दूंगी ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा आए। अब इसके अंदर मैं मोयन डालूंगी, तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच जो ये चम्मच होती है सिंपल वाली उससे यहाँ पे मोयन डाल रही हूँ। हमें इसमें ज़्यादा जो है वो तेल नहीं, मठरी जैसा नहीं डालना, उससे थोड़ा सा कम डालना है। अगर हम इसमें मठरी जैसा डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो उससे थोड़ा सा कम मोयन डालना है, अब मैं आपको बताऊंगी। तो इसे आप अच्छे से देखिए, पहले इसे रब कर लीजिए ऑयल को जो है मैदे के अंदर। क्योंकि ये रब करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे ही जो है समोसा बहुत अच्छा बनता है। आप इसमें घी का भी मोयन डाल सकते हैं लेकिन तेल का इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो है आटा जो है वो अभी हल्का हल्का सा बाइंड सा हो रहा है। मतलब मठरी में कैसे हम आटा लगाते हैं तो एकदम से मुट्ठी सी अगर आटे को रखते हैं तो वो एकदम बाइंड हो जाता है, ऐसा नहीं रखना है। देखिए अभी हल्का सा इसमें लग चुका है, और इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे, बहुत ही ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंथना है हमें, थोड़ा सा पूरी से थोड़ा सा ज़्यादा थिक आटा गूंथना है, उससे थोड़ा टाइट जैसा पूरी का बनाते हैं ना हम आटा, उससे थोड़ा सा टाइट हमें आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ पानी ना डालें इसमें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालो। और एकदम थोड़ा मीडियम सख्त आटा इसका रेडी कर लीजिए। और इसे अभी थोड़ी देर आप रख देंगे तो उसके बाद ही अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा। तो इसे कम से कम 10-15 मिनट का आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, तब तक जो है हमारा आलू वाला मसाला भी थोड़ा ठंडा होगा। तो अभी आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका। हाँ, इसमें मैंने नमक भी डाला था जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। तो इसे ढक के अभी हम रख देंगे। तो ये आटा जो है अभी बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है। अब हम समोसे बना लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से आटे को लूंगी और इसे सही कर लेती हूँ। तो ये मैंने अभी सही कर लिया, और इसका मैंने एक छोटा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने छोटी सी लोई ले ली है, और इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो ये आटा अभी इतना मतलब सख्त है तो कि ये आराम से बेल जाएगा, इसमें हमें ना तो किसी आटे लगाने की ज़रूरत है इसमें। तो इसे मैंने अभी अच्छे से बेल लिया है। आप चाहें तो अगर आपसे बेल नहीं रहा है तो हल्का सा आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसे मैं बीच में से कट कर लूँगी, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो इसे कट करने के बाद इसे आप देख सकते हैं कोन की शेप में इसे बनाना है पहले। तो मैंने इसे कोन की शेप में बना लिया है, और इसे फिर हाथों में इसे रख लेंगे, और जो हमने आलू का मसाला बना के रेडी करा है वो इसमें 1-2 चम्मच फिल कर देंगे, ज़्यादा ऊपर तक फिल नहीं करना है। और फिर आप देख सकते हैं इसे कैसे मैं बंद कर रही हूँ, ये इसे ऐसे बंद कर देंगे,
पीछे की ओर मैं इसमें ऐसे ऐसे फोल्ड करके इसे ऐसे दबा दूंगी ताकि ये नीचे से बैठ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है इसे बनाना, और इसे आप ऐसे ही सारे समोसे बना लीजिए। तो ये मैंने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं, ये मिनी समोसा बोल दीजिए आप इन्हें। अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना है तो आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। और इसे मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है जो कि बिल्कुल लो से थोड़ा सा गर्म तेल है। इसमें मैंने इसमें ये 4 समोसे डाल दिए हैं। हमें ज़्यादा तेज गर्म तेल नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम गर्म करना है, और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे से सेकना है। बिल्कुल लो नहीं रखनी है फ्लेम, अगर आप लो रख देंगे तो वो जो तेल है वो समोसे सारे पी लेंगे और वो तेल वाले समोसे बनेंगे जो अच्छे नहीं रखते हैं। तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे से सेकना है। तो इसे सेकने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे खस्ता करारे समोसे खाने हलवाई जैसे तो इतना टाइम तो लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है लो फ्लेम पे नहीं सेकना है, उससे क्या होता है कि कलर तो आ जाता है लेकिन वो उसके ऊपर फिर बबल्स भी आ जाते हैं और वो खाने में इतने टेस्टी नहीं लगते, अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसे अभी हम सेक लेंगे और इसे एकदम से हमें पलटना भी नहीं है, जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। तो अभी मैं इसे पलट रही हूँ। तो ये समोसे ऑलमोस्ट अभी नीचे से एक बार और सिकेंगे तो 10 मिनट के अंदर ये इजीली सिक जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे समोसे आपको मिलेंगे। तो ये समोसे अभी सिक चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी और ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप बाज़ार के खाना भी भूल जाएंगे क्योंकि हम घर में बनाते हैं, हमारा अच्छा तेल रहता है, हम अपने मनपसंद के मसाले डालते हैं आलू में, तो उसका टेस्ट ही बहुत लाजवाब होता है। तो इसे मैं अब निकाल लूँगी और ये बहुत ही करारे भी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, और साथ ही मैं आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप इन समोसों को मीठी चटनी या फिर केचप के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार फिर मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हैप्पी।